अब बच्चे की बदमाशी पूरा दिन चालू रहेगा, है ना बेटा? देखो सारा दिन मुझे परेशान करके रखता है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये शैतान है शैतान। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह है, मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है। अभी आप लोग देख सकते होंगे बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, यानी कि अभी सुबह ही है। इधर आरुष है, जब से मेला से आया है गाड़ी गाड़ी ही चला रहे। कितना गाड़ी लाए हो बेटा? ये क्या लाए हो? कौन लाया था भैया? और क्या आया है दिखा दो। और क्या आया है मेले से? क्या क्या आया? जारा लेने के लिए ये भी आया है और मोबाइल भी आई है ना। मोबाइल यहाँ पे रखो, गाड़ी गाड़ी एक बड़ा यहाँ पे रखो। हाँ इधर है मेरे बड़ा वाला बेटा, मेरा अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, इनका हो गया है, भी जूता पहन रही है ना। सब हो गया, खाना खाई हो? हाँ बस बाल बांधना बाकी है। देखिए आरुष लेकर आ गए अपना मोबाइल ना बेटा, इसी तरह गले में मोबाइल टांग कर, गले में मोबाइल टांग कर इसी तरह। देखिए ये जो है खेल रहा, जब से आया है मेले से सारा। ये देखिए लेजर लाइट भी लेके आए हैं, ये बड़े वाले बेटे का है। अरे आकांक्षा अपने लिए क्या लाई थी बेटा? इनका मोबाइल था और बैलून और कार आरुष का है, लेजर लाइट इनका है, इनको बहुत पसंद है सब। मिट्टू आ गए हैं, मिट्टू बैग रेडी है, बच्चों का लंच भी मैंने रख दिया, बच्चों का लंच भी है अंदर, सब रेडी हो गया। चलिए मैं बच्ची का बाल बांध देती हूँ फिलहाल। अभी तो कम से कम 3-4 दिन के बाद स्कूल खुल रहा है। बहुत घूमे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा खूब घुमाई की है ना। हाँ पढ़ाई करने के लिए बोलो तो बोल रहे थे मम्मी छुट्टी है, छुट्टी है घूमने के लिए। उतना वो लोग अपना होमवर्क वगैरह दे देते हैं कि बच्चे मतलब अपने काम में फंसे रहे। रीड करने के लिए, लर्न करने के लिए, राइट करने के लिए दे देते हैं। क्या बोल रही हो? ज्यादा नहीं घूमती। बोल रही है हम ज्यादा नहीं घूमते, ये तो सही बात है, ये ज्यादा नहीं घूमती है। ये छोटी वाली और ये बाबू मेरे पास ज्यादा रहता है, ये ज्यादा घूमता है। ये बच्चा बदमाश है, देखिए आपस में लड़ा। तो डिसाइड हुआ कौन ज्यादा घूमता है। देखिए देखिए दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन ज्यादा घूमता है बताओ। ये जो है घूमता ज्यादा है और मोबाइल भी ज्यादा चलाता है, इसलिए इसका नंबर भी कम आई है। अब की बार इस साल मेरी बच्ची अपने क्लास में टॉप आई है और बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो पगलू है इसको इतना बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ा करो, नहीं पढ़ता है और मोबाइल पे इसका ज्यादा दिमाग रहता है। ठीक है, बार बार पूछते हैं पढ़ाई करनी है तो कर लो, नहीं तो पैसा क्या बर्बाद करना फालतू। तो बोलता है पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर भूल जाता है बोलकर। फिर उसके बाद मोबाइल पा जाएगा, मुझे कोई काम करने मतलब करते हुए देखते, मुझे देखेगा इधर उधर कोई काम करते हुए तो ये चला जाएगा मोबाइल चुपके से चला के फिर रख देगा। और जब देखती हूँ कि मोबाइल चला रहे थे तो बोलता है नहीं मम्मी नहीं मम्मी, झूठ भी बोलता है। तो मोबाइल चलाने से जो है हीट हो जाती है, तो इसीलिए पता चलता है। तो चलिए अभी फिलहाल बच्चे तो आज काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं स्कूल। 3-4 दिन छुट्टी थी दशहरा की और फिर संडे पड़ गया था, फिर नवरात्रि की छुट्टी जो भी होती है, तो 3-4 दिन लगातार। तो आज ही स्कूल खुला है तो जा रहे बच्चे। और मैंने खाना वाना सब कुछ तैयार कर दिया है, लंच के साथ साथ पूरे दिन खाने के लिए भी दाल चावल बनाया मैंने। दाल चावल इधर है, रोटी उसमें है गैस बाटले पे, और सब्जी मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया और कढ़ाई को अलग मैंने रख दिया। बच्चों लोगों को जाते ही मैं तुरंत साफ करूंगी बर्तन, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद लाइव आएंगे। आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, 8 बजे मेरा लाइव होता है, मेरे लाइव का समय 8 बजे है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अब बच्चे की बदमाशी पूरा दिन चालू रहेगा, है ना बेटा? देखो सारा दिन मुझे परेशान करके रखता है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये शैतान है शैतान। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।